हाँ ये आज दो लड़की वाले पोपट भाई को मिलने के लिए आ रहे, एक 5 बजे और एक 6 बजे। हाँ बाबा तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा सुनो मैं फोन रखती हूँ, मुझे जल्दी तैयार होना है। ओके हाँ हाँ मैं तुम्हें फोटो भेज दूंगी, पर मुझे पहले जल्दी तैयार तो होने दो। ओके बाय। आज ये नहीं है पूछने के लिए मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है रेडी। तारा कब तक नहीं आए, मैंने कहा था उनसे जल्दी आने के लिए, कहाँ रह गए। अंजलि अंजलि। तारा कितनी देर कर दी। अरे मैं फंस गया। एक मिनट, बाकी बातें बाद में, पहले मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। तारक एक प्रॉब्लम वाली बात है। प्रॉब्लम मतलब खुशी वाली बात भी है। प्रॉब्लम खुशी, अंजलि क्या बोल रही हो। हमारे प्यारे भाई के लिए दो रिश्ते आए हैं। दो रिश्ते हैं मतलब। मतलब मैरिज ब्यूरो से उनके लिए कल्पना नाम की लड़की का रिश्ता आया है। ये तो खुशी की बात है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि सपना और अंकल आंटी 5 बजे आने वाले है और कल्पना और उसके घर वाले 6 बजे आने वाले है। अरे हाँ ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। अंजलि आप लोगों को 2 मीटिंग्स के बीच में 2 घंटे का फासला तो रखना चाहिए था, अब कैसे मैनेज होगा। ये सब बातें बाद में कीजिए, जल्दी से जाके तैयार हो जाइए, सपना और अंकल आंटी 5 बजे आते ही होंगे। आप जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं तैयार होती हूँ। 1 मिनट। क्या अंजलि और कितना तैयार होना है। तारक आप जाइए ना, जल्दी जाइए, तब तक मैं इनके लिए कपड़े निकालती हूँ। अंजलि। तारक आपके कपड़े निकाल कर रख दिए, जल्दी से पहन लीजिए। अंजलि पहन लूंगा, पहले ये बताओ ये सब हुआ कैसे। तो ये सब ऐसे हुआ, मतलब 5 बजे सपना और अंकल आंटी आने वाले हैं और 6:45 बजे तक अगर वो प्यारे लाल से बात करके नहीं निकले प्रॉब्लम हो सकती है। पर मुझे लगता है मैनेज हो जाएगा, सपना और अंकल आंटी ज्यादा से ज्यादा 30-40 मिनट ही रुकेंगे। क्यों अंजलि ये पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं भी है। मान लो कि अंकल आंटी कुछ देर और प्यारे लाल से बात करने के लिए बैठ गए तो मुझे ये तो नहीं कह सकते कि आपकी बातचीत का समय पूरा हो चुका है, अब आप यहाँ से निकलिए क्योंकि दूसरे लड़की वाले आने वाले। तारक आप मजाक मत कीजिए। अंजलि तुम भी चिंता मत करो, देखो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। मैं तो कहता हूँ कि प्यारे लाल भाग्यशाली है, एक दिन में 2 रिश्ते। हाँ बस दोनों में से कोई एक रिश्ता पक्का हो जाए और हमारे प्यारे भाई की शादी हो जाए तो हमारे प्यारे भाई सही मायने में भाग्यशाली कहलाएंगे। तारक आप जल्दी से रेडी हो जाइए। अंजलि वैसे आज तुम्हें देखकर डिवोर्स देने का मन कर। डिवोर्स? हाँ डिवोर्स। क्यों? ताकि एक बार फिर से हम अनजान हो जाए, एक बार फिर से मेरी तुमसे मुलाकात हो, तुमसे प्यार हो, एक बार फिर से तुमसे शादी करने का मौका मिले और फिर तुम्हारे प्यार के समंदर में। क्या कर रही हूँ जी, लड़कियों का परफ्यूम है। नहीं ये प्यार के समंदर का पानी है जो मैं आप पर छिड़क रही हूँ। अंजलि आप जल्दी से रेडी हो जाइए, जाइए। चलो घर फर्स्ट क्लास सेट हो गया, नाश्ता बहने ला रही है, यहाँ से नेम प्लेट हटा दी है। अरे हाँ ये विंग के एंट्रेंस पे जो नेम प्लेट है वहां से भी नाम निकालना पड़ेगा। क्या करूं कैसे मिटाऊं इस नाम को, कैसे मिटाऊं। किसको मिटाना है? नाम, सारे नाम मिटाना है? मैं सारे नाम क्यों मिटाऊंगा, अपना ही नाम मिटाऊंगा ना। ठीक है मैं पेंटर को बुलाता हूँ। अरे भाई पेंटर रहने दे, उतना टाइम नहीं है, अभी 5 बजे लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं, हमें कुछ टेम्पररी रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट। अरे
ये लीजिए प्यारे भाई। अरे वाह ला। अब्दुल मियाँ अब ठीक है? ठीक है। कुदरत का खेल भी कितना निराला है ना। जिस नाम को कमाने के लिए आपने इतनी मेहनत की, आज अपने हाथों से उसी नाम को मिटा दिया। सब भाग्य का खेल है भाई। ये ले रख दे सब। चल क्यों ओके। चलो चलो प्यारे लाल, बैठने का टाइम नहीं है, फटाफट तैयार हो जाता हूँ। भगवान, चमत्कार हो गया। नाम बदलते ही एक घंटे के अंतर में दो दो रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, सपना सिर्फ सपना बनके और कल्पना सिर्फ कल्पना बनके ना रह जाए। दोनों में से एक को मेरी हकीकत बना देना। और हाँ, एक और विनती है, सपना फैमिली को पोपटलाल नाम के बारे में और कल्पना फैमिली को प्यारेलाल नाम के बारे में पता ना चले। कहाँ रह गई ये सपना फैमिली? अके वेलकम वेलकम वेलकम। एडबे मैं हूँ। अरे चाचा जी आप आइए 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 आइए। बाकी सब लोग नहीं आए अभी तक? नहीं आप सबसे पहले, अभी तक कोई नहीं आया। कोई बात नहीं। अरे आ गए आ गए आ गए आ गए। आइए आइए आइए। वेलकम 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 मेहता साहब। वेलकम मेहता साहब। आपने लेडीज परफ्यूम लगाया? नहीं तो। खुशबू तो आ रही है। वो अंजलि परफ्यूम लगा रही थी तो थोड़े से छींटे मुझ पे गिर गए। अच्छा अच्छा, वैसे खुशबू बहुत अच्छी है। मैं भी अपनी सपना या कल्पना मतलब होने वाली पत्नी के लिए ऐसा ही परफ्यूम लूंगा। नाइस नाइस। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मेरे लिए इतना कुछ किया। आपने इतनी तैयारी की, आपने हाफ डे लिया। और अंजलि भाभी, आपको तो मैं स्पेशल थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैं आज का ये शुभ दिन देख रहा हूँ। अरे आप मेरे भाई हैं, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है पोपट भाई। प्यारे भाई। प्यारे भाई। हम ये अंदर रखे हैं। चल आइए आइए मेहता साहब। आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए। मेहता साहब, चाचा जी आज कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? प्यारे लाल कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तुम टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल नर्वस मत हो। और हम सब लोग हैं ना तेरे साथ, पर भगवान ना करे ऐसा कुछ भी हुआ भी तो हम सब संभाल लेंगे, तू चिंता मत कर भाई। प्यारे लाल इतनी चिंता करोगे ना तो लड़की वालों को तुम्हारे चेहरे पर चिंता नजर आएगी, इसलिए मन को शांत रखो। चाय का मसाला और चाय के लिए दूध। वैसे पोपट भाई के रिश्ते अंजलि भाभी। क्या? पोपट भाई नहीं, प्यारे भाई। हाँ 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 सॉरी, प्यारे भाई। हाँ। हमारे प्यारे भाई के रिश्ते के लिए कितनी लड़कियां आई हैं उन्हें देखने के लिए, और हमने कितनी बार नाश्ते की तैयारी की है। अब तक तो प्यारे भाई को याद भी नहीं होगा कि वो कितनी लड़कियों से मिले हैं। हाँ, पर मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि ये बार हम आखिरी बार लड़की वालों के स्वागत की तैयारी करेंगे, और फिर हम अपने भाभी के स्वागत की तैयारी करेंगे। हाँ, दो दो लड़कियां साथ में आ रही है, बस कहीं गोंधल ना हो जाए। नहीं बस हमें ये याद रखना है कि सपना के सामने हमें प्यारे लाल बोलना है। हाँ, और कल्पना के सामने पोपट लाल बोलना है। करेक्ट, मुझे बिल्कुल याद है। सपना के सामने पोपट लाल और कल्पना के सामने प्यारे लाल। ओ माधवी भाभी। माधवी भाभी। मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे सब याद है। सपना के सामने प्यारे लाल और कल्पना के सामने पोपट लाल। ओ
सॉरी 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 चाचा जी, वो क्या है ना, ये खुशबू से वातावरण थोड़ा खुशनुमा हो जाएगा इसलिए। ये वातावरण वाली ज्यादा छिड़के कर तो घूंगा मन हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अरे घूंगा मन, अरे समझाने इसे। सफोकेशन। ओ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा चाचा जी। हाँ बोल डिब्बे। डिब्बे नहीं। अरे हाँ बोल पोपट। पोपट लाल भी नहीं, प्यारे लाल। अरे हाँ हाँ बोल प्यारे बोल। चाचा जी आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि प्लीज आप मुझे लड़की वालों के सामने डिब्बा कह के मत बुलाइएगा। अरे मुझे सब याद है, तू चिंता मत कर, तुझे डिब्बा कह के नहीं बुलाऊंगा। बैठ जा। ओके 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 ओके। तू पूछ पूछ, क्या पूछना चाहता था? मैं ये पूछ रहा था कि मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना। अरे ये भी मैं पूछने की बात है बेटा, अरे तू एकदम मस्त लग रहा है। थैंक यू। अरे बहनों सारी तैयारी हो गई ना? हाँ, चाय नाश्ता सब तैयार है। एक बार फिर से आप सबको याद दिला दूं कि सपना के सामने प्यारे लाल है और कल्पना के सामने पोपटला। हाँ बराबर है, सब लोग बराबर याद रखना, गड़बड़ मत करना। सपना के सामने इसे पोपटलाल बोलना है और कल्पना के सामने प्यारे लाल बोलना है। अरे नहीं नहीं चाचा जी। अरे क्या नहीं, मैं तुझे अभी तो बोला। हाँ पर आपने उल्टा बोला। उल्टा बोला मैंने? हाँ, सपना पोपटलाल, कल्पना प्यारे लाल। अरे वही तो बोला मैंने। मेरा मतलब है सपना प्यारे लाल, कल्पना पोपटलाल। हाँ। आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। हाँ अच्छा। अब दो, 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 देख बेटा तू चिंता मत कर, मैं याद रखूंगा, बराबर याद रखूंगा। और हमें और एक बात याद रखनी है कि सपना की मीटिंग 6 बजे से पहले हो जाए, क्योंकि कल्पना और उसकी फैमिली 6 बजे तक आ रही है। लेकिन अंजलि भाभी, सपना और उसका परिवार टाइम पे आ जाएगा ना? मेरी उनसे बात हो गई है, वो लोग टाइम से पहुंच जाएंगे। हाँ टाइम पे आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो 6 बजे वो दूसरी लड़की का परिवार आ जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अंजलि भाभी आप फिर से एक बार फोन करके देखिए ना वो कहाँ तक पहुँचे। हाँ मैं फोन करती हूँ। प्यारे लाल हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, सपना से बात करते करते खो मत जाना और 6 मत बजा देना। नहीं 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 नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने दिल में उठने वाली लहरों को कंट्रोल में रखूंगा। कभी कभी उत्साह मत। क्या हुआ अंजलि भाभी, फोन लग नहीं रहा है? रिंग बज रही है। हेलो आप लोग कहाँ पहुंचे? क्या आप लोग अभी तक घर से निकले ही नहीं है? अभी तक निकले नहीं। अब ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप लोग प्लीज आइए, हाँ हम सब आपका वेट कर रहे हैं। जी। अरे अंजलि भाभी अब क्या होगा, कब वो लोग आएंगे और कब हम मीटिंग करेंगे? ओह नो। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे आंटी अंकल आप लोग नाश्ते। अभी तो आपने फोन पे कहा कि आप घर से निकले ही नहीं। अरे ये मजाक कर रहे थे। पर जीवन में थोड़ा मजाक मस्ती तो होना चाहिए ना, क्यों अंजलि बेटा? हाँ हाँ आप लोगों ने तो हमें डरा ही दिया था, अच्छा आप लोग वक्त पे आ गए। आइए 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 प्लीज आइए 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 आइए। कैसे हो? बैठो बैठो, आइए अनिल बेटा यहाँ बैठ। और कैसे हो तारक बेटा? एकदम मस्त। और अंजलि बेटा तू? एकदम मजे में, हमारी मुलाकात कितने टाइम बाद हो रही है। वही तो, जब भी हम आपको हमारे घर बुलाते थे आपका आना नहीं हो पा रहा था, और आज जब गोकुल धाम आए हैं तो यहाँ मुलाकात हो रही है। वैसे ममता आंटी, नंदा आंटी आपके नए घर की तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि आपका घर बहुत अच्छा बनाया है आप लोगों ने। तो आप लोग आइए ना हमारे नए घर। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे,
जैसे ही तारक को छुट्टी मिलेगी हम आ जाएंगे। पहले आप तो हमारे घर आइए। आएंगे आएंगे, आपके घर भी आएंगे, लेकिन पहले आप दोनों हमारे नए घर आएंगे, फिर हम आपके घर आएंगे। हम आपके नए घर जरूर आएंगे। पानी, पानी। चाचा जी पानी। आप सबकी पहचान कराती हूँ। ये है हमारे प्यारे भाई, पत्रकार प्यारे लाल। दो बार गोल्डन क्रो अवार्ड बेटा। हाँ, इन्होंने अवार्ड भी जीता है। अरे अरे, सॉरी अरे ओके। और ये हमारे चंपक चाचा है, हम गोकुलधाम वासियों के लिए के पिता समान है। नमस्ते 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 बेटा। और हम है गोकुलधाम महिला मंडल के सदस्य और प्यारे भाई की प्यारी प्यारी बहनें। ये है माधवी भाभी। ये है बबीता जी। अरे वाह, इतनी सारी ननद। हमारी सपना को बड़ी फैमिली बहुत पसंद है। हाँ, हम सब गोकुलधाम वासी एक परिवार की तरह ही रहते हैं। हाँ सपना, प्यारे भाई भले ही हमारे पड़ोसी हो, पर ये हमारे सगे भाई से भी बढ़कर है। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए ना प्लीज। अच्छा मनोहर जी, आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे हाँ हाँ हुई ना तकलीफ। अरे रिक्शा जल्दी मिल ही नहीं रही थी, वरना हम और जल्दी आ जाते। कभी कभी रास्ते में जब जरूरत नहीं होती तो दो पांच रिक्शा यूं ही मिल जाती है, और जब जरूरत होती है तो एक भी रिक्शा नहीं मिलती। सपना तुम बहुत सुंदर लग रही हो, और ये ड्रेस भी तुम पर बहुत जच रहा है। थैंक यू। सपना तुम बहुत प्यारी लग रही हो। और तारक बेटा, नौकरी में कुछ प्रमोशन हुआ? पगार वगार बढ़ी कि नहीं? हाँ, चल रहा है कामकाज, ठीक ठीक है सब। नहीं नहीं, मैंने पूछा प्रमोशन हुआ कि नहीं, पगार बढ़ी कि नहीं। हाँ, मतलब बॉस ने कहा है कि इस दिवाली पर वो पगार भी बढ़ाएंगे और प्रमोशन भी देंगे। मैंने सुना आप लोग शिमला घूमने गए थे। हाँ भाई, शिमला का टूर बहुत अच्छा रहा। नहीं, इनके शिमला के चक्कर में मुझे हरिद्वार जाना पड़ेगा। बेटा साहब, शिमला छोड़िए, मेरी बात कीजिए। करते करते। आंटी अंकल, अगर आप लोग को प्यारे भाई से कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं अंजलि बेटा, तुमने नंदा भाभी को सब कुछ बता दिया और नंदा भाभी से हमने सब कुछ जान लिया। तुम नंदा भाभी की भतीजी हो तो हमारी भी भतीजी हुई ना, और फिर घर की बेटी रिश्ता लेकर आए तो रिश्ता परफेक्ट ही होगा। तो भाई, जिस तरह से बिना बादल के बारिश नहीं होती, बिना आटे के रोटी नहीं बनती, ठीक उसी तरह से पोपटलाल के लिए रिश्ता है और उसमें कोई ट्विस्ट ना आए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। पहला रिश्ता हमारी तरफ से आया और दूसरा रिश्ता मैरिज ब्यूरो की तरफ से, और दोनों रिश्तों के लिए बातचीत करने का जो समय है वो एक ही घंटे का, मतलब पहली फैमिली शाम को 5 बजे आएगी और दूसरी फैमिली शाम को 6 बजे आएगी। इसका मतलब हमें और पोपटलाल को पहली फैमिली से बातचीत करने का जो वक्त है वो सिर्फ एक ही घंटे का मिलेगा, और उन्हें एक ही घंटे में हमें निपटाना होगा। भगवान से यही प्रार्थना है कि जो पहली फैमिली है वक्त से पहले चली जाए, और जो दूसरी फैमिली है वो वक्त से पहले ना आ जाए। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि दोनों फैमिलीज का आमना सामना होने वाला है, और जब ये होगा तो उसी बात को संभालने के लिए पोपटलाल और हम गोकुलधाम वासियों को दो नाव में सवारी करनी होगी। टिक 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 टिक।
आपको काउंटडाउन सुनाई दे रहा है? मुझे तो सुनाई दे रहा है, क्योंकि दूसरी फैमिली वाले वक्त से पहले आने वाले हैं। इसका मतलब हम सबकी परेड पक्की और आपकी हंसी नक्की। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.